तो इस तरह से इनको थोड़ा सा घुमाना होता है, पूरे दिन भर में 2 बार ऐसा करना पड़ता है जी ये प्रोसेस, जिससे कि अंडा, बोलते हैं कि जो बच्चा अगर बन रहा होगा तो वो लेयर में चिपकेगा नहीं। ऊपर देखो जी तीर जा रही है, ये देखो, और ये ऊपर ही देख रहा है मुर्गा। तो ये देखो जी, इनमें फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि कितना फ़र्क है मुर्गों में हमारे, ये है ब्लैक ब्यूटी और बौने में, और इन मुर्गों में देखो जी आप कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो लो जी चावल ले लिए इनके, वो देखो जी सामने मुर्गी मुर्गी आपस में लड़ रही है, और वो देखो बाहर से दोनों भाई जब छोटे छोटे थे जो हमारा चल रहा था वो उड़ गया, और साथ में ये, तो इनको ग्लूकोज के बिस्किट को ही मैंने घोल घोल के जी सिरिंज में डालकर इनको जो है मैंने बच्चों को पाला था। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने बहुत टाइम हो गया जी इनक्यूबेटर नहीं दिखाया था, तो पहले तो जी इनक्यूबेटर आपको मैं आज दिखा दूँ, क्योंकि मैं रोज की तरह जी अपना एक प्रोसेस जो करना होता है अंडों के साथ वो कर रहा हूँ रूटीन में, जिनके पास इनक्यूबेटर है वो समझ सकते हैं। तो फर्स्ट बैच जो जी अंडों का रखा था तो वो तो ख़राब हो गया पूरा का पूरा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, लास्ट मंगलवार जो गया उस दौरान मैंने चेक किया था, तो कोई भी अंडा हमारा जो है उसमें से बच्चा नहीं निकला। वो हमारे ब्लैक ब्यूटी और बौने के थे अंडे, यानी कि छोटे वाले एग्स थे। इस बार जो है छोटी सेना के अंडे रखे हैं जी, तो अब देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट होता है। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा घुमाना होता है, पूरे दिन भर में 2 बार ऐसा करना पड़ता है जी ये प्रोसेस, जिससे कि अंडा, बोलते हैं कि जो बच्चा अगर बन रहा होगा तो वो लेयर में चिपकेगा नहीं, और इस तरह से मूवमेंट जो है बनी रहेगी। तो बाकी देखते हैं जी। तो इस तरह से इन पे डेट भी रखी थी, और दोस्तों ये है वो, आप देख रहे होंगे ये भी 2 अंडे रखे हुए हैं। ये वही अंडे हैं जो हमारे को अपने सेटअप में ऊपर दीवार में मिले थे, किसी बर्ड के, चिड़िया के, या किसके हैं, चिड़िया के ही हो सकते हैं। ये देखो जी बहुत ही छोटे छोटे से अंडे हैं, ये आप देख सकते हैं कितना सा अंडा है। तो मैं इनको रख देता हूँ जी, तो इनको भी रख दिया था मैंने आप लोगों को शायद, हाँ उस दौरान बताया नहीं था। तो ये किसी जंगली चिड़िया के अंडे हैं, मतलब इसमें से भी अगर बच्चे निकल जाते हैं, बाकी देखते हैं जी, क्योंकि वहाँ पर इस जगह पे रख दिए थे तो वहाँ चिड़िया नहीं आ रही थी, 1 से 1.5 दिन ये अंडे ऐसे ही पड़े रहे थे। तो कुछ अंडे रखे हैं जी इनक्यूबेटर में जो कि अपने होम ब्रीड हमारी अपनी देसी मुर्गियों के हैं, तो बाकी देखते हैं इनसे क्या रिजल्ट होता है। तो आइए चलते हैं इसके बाद छत पर, और उनको देते हैं जी अपने बाकी मुर्गियों को खाना भी देते हैं, और आप लोगों को ब्लॉग भी आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। और हम जा रहे हैं जी छत पर, और रिधु भी यहाँ बैठी है, अभी सो के उठी है, आजकल छुट्टियाँ हैं, है ना रिधु भी? आपकी छुट्टियाँ, हॉलीडेज हैं, आप क्या खा रहे हो? ये बिस्किट है ये, अच्छा ये रिधु के फेवरेट बिस्किट है, रिधु खा रही है। आपने चलना है ऊपर? तो कुछ देर अभी सो के उठी है तो थोड़ी सुस्त सी हो रही है रिधु भी, तो कुछ देर में हम चलेंगे, ठीक है? अच्छा बच्चा है रिधु, तो बहुत प्यार करती है जी अपने मुर्गियों से, बर्ड से, है ना, खरगोशों से। तो सारे के सारे हमारी छोटी सेना दरवाजे पे खड़े हैं, तो आओ जी अंदर चलते हैं और इनको सबसे पहले खाने को देंगे, क्योंकि सारी की सारी इंतजार में रहती है इस टाइम पे। लो जी, तो फिलहाल अभी कबूतरों को जी मैं घर से ही मिक्स करके कुछ दालें हैं इन्हीं में, बाजरा वगैरह मिक्स सारी तरह की दालें ये दे रहा था मैं, ताकि क्योंकि बच्चे को फीड करवा रहे हैं, तो मैंने चलो जो है दालें और ये सब जो प्रोटीन इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो इसलिए ये फीड करवा रहे हैं, इसलिए मैं ये दे रहा था। अपने मुर्गियों को दे देते हैं जी चावल, ये तो सबसे पहले इनको दे देता हूँ मैं आज चावल, साथ में कोई दाल सब्जी नहीं थी इनको देने के लिए जी, तो मैं सिंपल चावल ही लेकर आ गया हूँ, तो इनके लिए स्पेशली बनाने पड़ते हैं जो चावल है जी। ये देखो जी, तो छोटी सेना शुरू से ये खाना पसंद करती हैं, तो तीनों के तीनों मुर्गे भी बाहर ही हैं जी, इकट्ठे हैं। अब तो खैर कभी कभार बीच में लड़ पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं। वो ऊपर देखो जी चील जा रही है, ये देखो, और ये ऊपर ही देख रहा है मुर्गा, तो ये एकदम अलर्ट कर देते हैं, ये तो है मुर्गों का जरा सा कोई। और चील ना आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पे धूप आने शुरू हो गई है, तो ब्लैक ब्यूटी को और बौने को मैं खोल देता हूँ, ताकि ये भी जो है, चलो भैया आ जाओ, पानी भी इन्होंने काफ़ी गंदा कर दिया है क्योंकि इसी पे चढ़ा रहता है वो। देखो जी, लो जी बौना आ गया है जी हमारा बाहर, तो यहाँ पे पानी इस वजह से दोस्तों आज मैं था नहीं, और मम्मी आए थे ऊपर, और उन्होंने जो है पूरे, गर्मी काफ़ी थी आज, तो मम्मी ने जो है यहाँ पे पानी जो है मैंने क्या दिया था, तो इनके ऊपर छिड़का दिया था, मतलब पानी लगा दिया था पूरे दरी पे, तो जो ज़्यादा गिर जाता है तो वो नीचे हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ये शुरू हो गया, चलो
हटो 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 हटो, चलो नहीं चलो बाहर निकलो। ये देखो जी, अभी अभी ये भी अंदर घुस के बैठ गए इसमें। तो ये देखो जी, इनमें फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि कितना फ़र्क है मुर्गों में हमारे। ये है ब्लैक ब्यूटी और बोने में, और इन मुर्गों में देखो जी आप कितना ज़्यादा फ़र्क है। चलो चलो चलो, तो मैं इनको अंदर कर देता हूँ। ये देखो, एक ही जगह पे उछलने सा लग जाता है। चलो चलो चलो, वैसे इसको पता है अपने आप ही चला जाता है, समझदार है हमारा बोना। मैंने हवा चल रही है, थोड़ी देर इनको इसमें बंद करता हूँ, खाना वगैरह दे दूँगा, और उसके बाद कुछ देर में एक आध घंटे तक फिर इनको फ्री घूमने दूंगा मैं, और साथ साथ कबूतरों को भी। तो इनका बर्तन निकाल लेता हूँ जी मैं। तो लो जी, चावल ले लिए इनके। वो देखो जी सामने मुर्गी मुर्गी आपस में लड़ रही हैं, और वो देखो बाहर से यसील के साथ ये जो है, ये देखो ये भी दादागिरी दिखा रही। क्या है क्या है, चलो परेशान करते, तू भी चल चल इधर चल चल, ये भी देखो चलो उधर। ये बिल्कुल भी नहीं आपस में, ये देखो असील मुर्गे का यही रहता है, बस इसको बाहर छोड़ दो तो कभी उससे कभी इससे, कहीं ना कहीं अपना। चलो लो जी, इनको चावल मैंने रख दिए हैं। चूज़ों को जो है जी थोड़ा खाना हल्का भी ठीक रहेगा देना, और इसीलिए मैं जो हूँ ये ग्लूकोज के बिस्किट लाया हूँ, जो कि मैं इसको भी अपने गंदे को, इसको भी मैं कभी दिया करता था जब मैं छोटा सा था। ये दोनों भाई जब छोटे छोटे थे, जो हमारा शहजादा वो उड़ गया और साथ में ये, तो इनको ग्लूकोज के बिस्किट को ही मैंने घोल घोल के जी सिरिंज में डालकर इनको जो है मैंने बच्चों को पाला था। तो वही मेरे को ध्यान आया, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और काफ़ी अच्छा बिस्किट है और ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो इसके बिस्किट जो है मैं कुछ एक खोलता हूँ। तो ये जी, क्योंकि बच्चों को दवाई दे रहा था मैं, तो मतलब ज़्यादा रोटी वगैरह अच्छे से खा नहीं रहे थे, तो ये डाइजेस्ट होने में भी आसानी रहेगी और हल्का हल्का फुल्का खाना रहेगा इनके लिए। तो ये भिगोकर जी मैं ये देता हूँ इनको। ओए वापस बाहर निकल आया, चल तू कैसे, चलो। ये देखो जी, ये इतना सा है मेरे हाथ में, आपको लग रहा होगा देख के। ये देखो इतना जैसा है, और इसने बोने ने उसके साथ लड़ रहा था। ये देखो जी, शोर बहुत ज़्यादा मचाता है बाहर, पता नहीं कैसे निकल गए। शायद मैंने वीडियो करते करते मैं जो हूँ इनको बंद करना भूल गया। देखो सारे आपस में लड़ने ना लग जाए, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ गया, और चल चल चल। लो जी, तो कर दिया इनको बंद। लो जी, तो इसमें डाल देता हूँ, बच्चे खा लेंगे। और क्योंकि ग्लूकोज बिस्किट जो है काफ़ी अच्छी डाइट रही है कबूतरों को जो हमने दी, बच्चे ये भी छोटे हैं, तो मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा इनको थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। लो अभी तो पता नहीं बच्चे खाएंगे, देख तो रहे हैं जी। तो ये मेरे को लगा कि इनको देना चाहिए, क्योंकि दवाई दे रहे हैं डाइजेस्ट होने में, और साथ साथ हल्का फुल्का खाना हो जाएगा बच्चों के लिए। और ये देखेंगे अभी भी थोड़ा सा बच्चे के, अभी भी पीछे देखेंगे बीट चिपकी हुई है इसके अभी भी। ये देखो जी, तो आज जो है गैप हो गया, मैंने कल भी दवाई नहीं दी है, तो आज दूंगा जी, शाम के वक्त इनको मैं दवाई दूंगा, और इसको अच्छे से साफ भी करूंगा बच्चे को। तो अभी तक बच्चे की थोड़ा सा पहले से कंडीशन में सुधार है, तो बच्चे वहां पे देख सकते हैं बिस्किट आराम से खा रहे हैं जी। तो मैं जो हूँ अब दाना दे देता हूँ अपने कबूतरों को भी। लो जी, तो इन सब के लिए तो हो गया है खाना, और अब बस पानी रह गया है। देखो वहाँ पे जाके फिर से मुर्गा, वो मुर्गे के साथ लग गया लड़ने, बोने के साथ असील, और उधर देखो जी अपनी छोटी सेना वाली मुर्गी। ये बस इनका यही काम रहता है, ये नहीं मानते कबूतरों को खाना दे देते जी। यहाँ मिट्टी हो जाती है दोस्तों, तो मैं वही बता रहा था कि भाई ने कमेंट किया गंदगी हो जाती है। अब मेरे भाई क्या करें, सेटअप हमारा हाइट पे है, ऊंचाई पर है, छत पर है, और जब पानी या गर्मी होती है तो पानी जब लगाते हैं तो थोड़ा कीचड़ वगैरह यहाँ हो ही जाता है, क्योंकि मिट्टी मैंने डाल के रखी है नीचे ताकि मुर्गियाँ खेलती हैं और खुश हो जाती हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज शाम तक ये पूरा सूख जाएगा और फिर से वापस ऐसा हो जाएगा, और अगले दिन मुझे फिर पानी लगाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत जी ये माहौल ऐसा हो ही जाता है दोस्तों। तो एक तरह से गंदगी नहीं जी, सफाई भी टाइम टू टाइम होती रहती है, ये मिट्टी है और इनके पैरों से चलने की वजह से थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे लगता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जी, तो मैंने सुबह के टाइम, आप देखेंगे अभी भी रोटी है इसमें, यहाँ पे आप देखेंगे अभी भी इसमें जो है ये रोटी जो मैं ग्राइंड करके सुबह के टाइम कबूतरों को देता हूँ, तो ये मुर्गियाँ हमारी खा लेंगी। तो इसमें जो है मैं इनको दाना दे देता हूँ।
लो जी, तो ये दाना पहले कनक है, ये रख देता हूँ मैं इनको दोनों को। और अपने ब्रीडिंग पेयर के लिए जी ये मिक्स दाना, बीच में सारा कुछ मिक्स है इसमें। जो भी होता है जी, आप आगे आने वाले व्लॉग्स ज़रूर देखना दोस्तों। और आज या कल में शायद हमारे दो बच्चे रैबिट्स के गिव अवे कर देंगे हम एक तरह से, यानी अपने जानने वालों को मैं वैसे ही दे दूंगा। सब्सक्राइबर हैं वो बच्चे, मैंने आपको बताया था, तो बहुत टाइम से उनको बड़ा शौक है, बड़े टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ही कहा था कि कुछ टाइम रुक जाओ। ये देखो जी, ये नहीं मानते, इसको पता नहीं क्या है। क्या है तेरे को, क्या दिक्कत है, हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसको समझ नहीं आता। ये देखो, ये मानता नहीं है, लड़ाई करता रहता है। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह की कंडीशन है हमारे मुर्गे की। अब ये देख सकते हैं जी, ये देखो जी, ऐसे कुट 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 करता रहता है, और बस एक एटीट्यूड के साथ। बस इनको पानी देना बाकी रह गया है जी, इसके बाद मैं पानी देता हूँ मुर्गियों को, ठंडा पानी दूंगा। बॉर्न और ब्लैक ब्यूटी भी अब अंडे नहीं दे रही हमारी ब्लैक ब्यूटी, काफ़ी दिन हो गए हैं। इनको भी दाना रखा हुआ है, पानी इनके लिए मम्मी रख के गए थे, मेल फीमेल उठ गए हैं वो देखो जी अंडे पे से। और बच्चा देखिए जी, अब बच्चा भी उठ के खड़ा हो गया है, तो इसका ये रहता है डर, क्योंकि अंडों के पास ये बार बार घूमता रहता है वो देखो, मतलब अंडे ना इसकी वजह से वो हो जाए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, इसके बाद मैं पानी दूंगा इनको पीने के लिए। और तो ये था दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, और आप सबका शौक भी अच्छा चल रहा होगा उम्मीद करता हूँ। बाकी जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक न्यू व्लॉग के साथ जी, तब तक के लिए बाय।